दर्शक क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुन लेते हैं। रेखा मजुमदार देहरादून से हमारी दर्शक जुड़ रही हैं। रेखा जी, आप इस चर्चा को लगातार सुन रही हैं, क्या समझ में आ रहा है आपको? मैं चाहूंगी कि यही एक बहुत बड़ी, जो सबसे बड़ी ताकत इस वक्त है वो है जनता, लोग जो कि पोल करेंगे इस दिन के लिए। और जनता, यही ब्यूटी है हमारी डेमोक्रेसी की कि हमारी जनता जो भी नकारात्मक गवर्नमेंट होगी उसको उखाड़ के फेंक देगी। और ये सारी चीजें, सारा ड्रामा, सारा वॉयलेंस दरा का दरा रह जाएगा जिस दिन हमारा पोलिंग डे होगा। ये पहली बात है। दूसरी बात, बंगाल की राजनीति में अभी काफी चेंज आ गया है। पहले ये पार्टी पार्टी सोसाइटी की पॉलिटिक्स होती थी, अब ये आइडेंटिटी सोसाइटी की पॉलिटिक्स हो गई है। पहले पार्टी मेन होती थी, पहले लेफ्ट थी, लेफ्ट काफी साल तक चलती रही। आपने बहुत अच्छे से कहा कि अब तो आपसे शायद डिवोर्स ले लिया है जनता ने और वो लेफ्ट को समझना चाहिए। और आज जो है, फिर उसके बाद टीएमसी आई, ओनली पार्टी वॉज कंसिडर्ड द मेन थिंग, कास्ट वगैरह कोई चीज रोल प्ले नहीं करती थी। लेकिन आज की राजनीति में अब जो हम देख रहे हैं वो आइडेंटिटी सोसाइटी के ऊपर बेस्ड हो गई है। हमारी ममता बनर्जी भी देखो SC ST को लुभाने की कोशिश कर रही है, अपना काली पाठ कर रही है, जगह जगह मंदिर, बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की बात कोई नहीं कर रहा है, बल्कि कभी कोई चंडी पाठ करता है, कभी कोई श्री जय श्री राम का नारा देता है, या फिर कभी मुस्लिम तुष्टिकरण की बात होती है। नहीं, लेफ्ट कर रहा है एक सोनार बंगाल की बात।